सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं जा रहा हूँ गोवा स्कूटी में। स्कूटी में नहीं जा रहा, यहाँ से जाऊँगा ट्रेन में हज़रत निज़ामुद्दीन और वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन 6:30 की है। और ये रहा मेरा बैग और कुछ इस टाइम का सीन है ये सुबह का, काफ़ी लोग खड़े हैं। जैसी बस आएगी मैं बस में चले जाऊँगा और स्कूटी जाएगी घर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच चुका हूं भाई हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और सुबह के बज चुके हैं 5। दिखाता हूं आपको हजरत निज़ामुद्दीन का सुबह का सीन। सुबह का इस तरह का सीन है यहां पे। सुबह के बज चुके हैं 5:11 और यहीं से मिलेगी मेरे को गोवा की ट्रेन। यहां से चेकिंग करते हैं, चलते हैं अंदर। सबसे पहले मेरे को देखना है अपना प्लेटफॉर्म की कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं ट्रेन में बहुत कम सफ़र करता हूँ। पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, पहली या दूसरी बार सफ़र करता हूँ। अपनी ट्रेन है 6:30 की गोवा संपूर्ण क्रांति, थोड़ी देर में आ जाएगी। अब वैसे भी नींद नहीं आ रही और नींद आएगी तो ट्रेन में सो जाऊंगा आराम से। तो फ्रेंड्स 6:15 होने को हैं और अभी तक ट्रेन नहीं आई, आने वाली ट्रेन 6:30 तक आ जाएगी ट्रेन हमारी गोवा संपर्क क्रांति। और ये जो ट्रेन है ना, ये है गोवा एक्सप्रेस, ये 6:15 की। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार गोवा जाने वालों की। और दोस्तों मेरे को ट्रेन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैं 7 साल बाद ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और ट्रेन की जो हालत है ना वो भी काफ़ी ठीक हो चुकी है पहले से, मुझे लग रहा है अंदर से भी अच्छी होगी हालत। और जहाँ तक रही प्लेटफॉर्म की बात, वो भी अच्छा लग रहा है मेरे को, साफ़ सुथरा लग रहा है। और पानी वानी और खाने पीने की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। समोसे और सैंडविच पैक करा लिया भाई से। और यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ है ना वो एकदम रीजनेबल प्राइस पे है, मतलब बाहर जो रेट पे मिलती है ना उससे भी कम प्राइस में है ये समोसे और पैटीज सैंडविच वगैरह। आ गए अपनी गोवा संपर्क क्रांति। आ चुकी है अपनी गोवा संपर्क क्रांति और अब इसमें देखते हैं अपनी सीट कौन सी है। S1 ये तो AC वाली है। और काफ़ी भीड़ है भाई आज, मतलब हमेशा होती होगी। तो भाई S2 और S1 ये रही अपनी बोगी, बहुत लंबी ट्रेन है भाई ये। जल्दी आ जल्दी। ये रही S1 जहाँ ही भाई चढ़ रहा है, ये सब जा रहे हैं S1 भाई। S1। हेलो दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है। सुबह तो खैर मैं बैठा ही था ट्रेन में, बट 11 बज चुके हैं और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ रणथंभौर। और फिलहाल मैं बैठा हूँ सबसे ऊपर अपनी बर्थ पे और नीचे का दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। ये पहुंचने वाले हम रणथंभौर, पूरा भीहड़ है ये। सीन है भाई, क्या जगह है यार, औसम जगह। नीचे देखो खेत भी है और बीहड़ भी और बकरी चल रही है और ऊपर से ये ट्रेन जा रही है ना, शानदार व्यू। तो इसी बात पे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो भाई तो भाई फिलहाल मैं आ चुका हूँ कोटा में और सुबह के बज चुके हैं, दिन के बज चुके हैं 12 और ये कोटा स्टेशन है।
तो भाई ये अपना कोच S1 और कोटा पहुंच चुके हैं उस टाइम। थोड़ी देर में ये हमारी ट्रेन यहाँ से निकल पड़ेगी गोवा के लिए। यहाँ पे जॉइंट है ट्रेन का, दोनों जो बुकी है ना वो आपस में जॉइंट है उनका, तो काफ़ी हिल गई है वो। और अब धूप भी जा चुकी है, थोड़ी थोड़ी धूप रह गई है। ये भाई भी असाइनमेंट के लिए रेलवे का खाना, चावल दाल सब्जी। अभी बोल जाती भाई गाना गा के सुना ना। अरे नहीं भाई यार खाना 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 खाना। ये सूरत स्टेशन 9 बजे। तो भाई ये है सुबह सुबह गोवा का सीन, काफी ग्रीनरी यहाँ पे हरियाली। भाई ये सुरंग है पहाड़ के अंदर ही अंदर, काफी देर से चल रही है ट्रेन, अभी निकली है ट्रेन से बाहर। चलिए टिकट चेकिंग, और हम पहुंच चुके हैं थिवीम में। ये ट्रेन है, बाय बाय ट्रेन, गोवा फाइनली गोवा पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों फाइनली गोवा पहुंच चुका हूँ मैं, और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। ये स्टेशन के बाहर आके स्टैंड थिवीम का, यहाँ से भी देगी कैब, पर हम पकड़ेंगे बस, क्योंकि बस टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा लेते हैं, 2000 रुपये। गोवा में एंट्री कर चुके हैं, ये बस यहाँ से मिल गई हमें, ये जाएगी मापुसा, और मापुसा से हमको दूसरी बस चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आरामबोल के लिए। इस बस में बैठेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा पूरा व्यू।
तो भाई थिविम से तो मैं आ चुका हूँ मापूसा बस पकड़ के, और यहाँ से निकलता हूँ मैं आराम बोल के लिए।